दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको फ्री विनिंग टीम्स, फ्री गिवअवेज, एक्साइटिंग ऑफर्स और लास्ट मोमेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले IPL 2022 के मैच नंबर 26 के बारे में, जो कि खेला जाएगा ब्रबोन स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड के ऊपर। 16 अप्रैल को दोपहर को 3:30 पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट के बारे में। दोस्तों आप इस वीडियो के गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो ₹2000। जीतना कैसे है, आपको सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा बॉलर लेगा और सबसे ज्यादा कैच कौन सा फील्डर पकड़ेगा। और दोस्तों गिव अवे के रूल क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी खुद की प्रिडिक्शन देनी है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रिडिक्शन दीजिए और पाइए ₹2000 जीतने का मौका। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि मैच खेला जाएगा ब्रबोन स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड के ऊपर। दोस्तों मुंबई की टीम ने इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच खेला है, वो मैच मुंबई की टीम हार गई थी। वहीं दोस्तों लखनऊ की टीम ने इस ग्राउंड के ऊपर अब तक एक मैच खेला और वो मैच लखनऊ की टीम जीत गई थी। दोस्तों मुंबई ने अपना मैच खेला था दिल्ली के खिलाफ और वो मैच दिल्ली की टीम 4 विकेटों से जीत गई थी, जिसके अंदर बेस्ट प्लेयर थे कुलदीप यादव और ईशान किशन। अगर दोस्तों इस मैच में फास्ट वर्सेस स्पिन की बात करें तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट, दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। वहीं दोस्तों उस मैच में मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए थे, ईशान किशन ने 81 रन बनाए थे, तिलक वर्मा ने 22 रन बनाए थे, बांसिल थाम्पी को 3 विकेट मिले थे, मुर्गुन अश्विन को 2 विकेट मिले थे और टाइमल मिल्स को 1 विकेट मिला था। वहीं दोस्तों यहां पर लखनऊ की टीम ने अपना मैच खेला था चेन्नई के खिलाफ और वो मैच लखनऊ की टीम 6 विकेटों से जीत गई थी, जिसके अंदर दोस्तों बेस्ट प्लेयर थे इवेन लेविस, क्विंटन डीकोक और केएल राहुल। अगर दोस्तों उस मैच में हम बात करें फास्ट वर्सेस स्पिन की, तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे, दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर को कोई विकेट नहीं मिला था। वहीं दोस्तों उस मैच में लखनऊ की तरफ से केएल राहुल ने 40 रन बनाए थे, क्विंटन डीकोक ने 61 रन बनाए थे, इवेन लेविस ने 55 रन बनाए थे, दीपक हुड्डा ने 13 और आयुष भदौने ने 19 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों अवेश खान, एंड्रू टाई और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट मिले थे। अगर दोस्तों आप इन दोनों मैचों को ध्यान से देखोगे तो दोनों मैचों के अंदर दोस्तों स्कोर है वो 170 से ऊपर गया, यानी काफी हद तक पिच ने बैट्समैन को फेवर किया है। वहीं दोस्तों दोनों मैचों के अंदर फास्ट प्लस स्पिनर काफी इंपॉर्टेंट है, यानी फास्ट और स्पिनर दोनों को विकेट मिले। वहीं दोस्तों यहां पे बैट्समैन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और स्पिनर ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो आप बैट्समैन या स्पिनर में किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात। अगर हम बात करें मुंबई और लखनऊ के मैच में पिच कैसा रह सकती है, दोस्तों लास्ट के कुछ मैचों में पिच ने काफी हद तक बैट्समैन को फेवर किया है, यानी दोस्तों आपके लिए मुंबई की तरफ से ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और डेवेल्ड ब्रेविस काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वहीं दोस्तों यहां पे आपके लिए लखनऊ की तरफ से क्विंटन डीको, केएल लाल और कृष्णप्पा गौतम इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम को क्यों लिया, क्योंकि लास्ट मैच में प्लेयर 3 नंबर बैटिंग करने आया था और दोस्तों ये प्लेयर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है और दोस्तों ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो मोस्ट प्रोबली ये प्लेयर ईशान किशन के सामने बॉलिंग करने आ सकता है और इसकी विकेट भी निकाल के लेके जा सकता है। वहीं दोस्तों लास्ट के कुछ मैचों में यहाँ पे स्पिनर ने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया, अच्छे विकेट निकाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए मुंबई की तरफ से मुर्गुन अश्विन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या फिर दोस्तों मुर्गुन अश्विन की जगह टीम मयंक मार्कंडे को मौका दे सकती है। वहीं दोस्तों लखनऊ की तरफ से आपके लिए कृष्णप्पा गौतम और रवि बिश्नोई काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और दोस्तों कृष्णप्पा गौतम आपके लिए ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक रह सकती है, क्योंकि लास्ट मैच में प्लेयर 3 नंबर बैटिंग करने आया था। वहीं दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर पिच थोड़ा बहुत स्विंग ऑफर करती है फास्ट बॉलर को, तो आपके लिए मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह, जयदेव उनादकट काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वहीं दोस्तों या तो टाइमल मिल्स खेलेंगे या फिर टाइमल मिल्स की जगह रिले मैद्रिद खेल सकते हैं, तो ये प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वहीं दोस्तों लखनऊ की तरफ से आपके लिए अवेश खान, जस्टन होल्डर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कोई नया बॉलर खेलता है काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। बाकी दोस्तों पिच काफी हद तक बैट्समैन को फेवर करती है, इफेक्ट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों फाइनल पिच रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा ठीक टॉस होने से पहले, तो आप टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों आगे इस वीडियो में हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और रिकॉर्ड देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों क्रिकेट का त्यौहार यानी इंडियन T20 लीग चल रहा है और आप भी सिर्फ घर में टीवी में मैच एंजॉय मत कीजिए, बल्कि खेलिए फैंटेसी क्रिकेट ऑन माई 11 सर्कल ऐप और हो जाइए मालामाल। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि माई 11 सर्कल ऐप पे खेलना कैसे, तो दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे खेलना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक मैच सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने 11 प्लेयर चूज करने विद कैप्टन और वाइस कैप्टन, यानी आपको खुद की टीम बनानी है, और उसके बाद आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। अब दोस्तों आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि आप माई 11 सर्कल ऐप पे क्यों खेले, क्योंकि दोस्तों इस साल इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल आपको दे रहा है इंडियाज बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज, जिसमें अगर आप मेगा लीग जीतते हो माई 11 सर्कल ऐप पे तो आप जीत सकते हो 2 करोड़ 2 लाख रुपए, और दोस्तों कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल ही कम है। तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माय लेवल्स का क्लब डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा डिपॉजिट करते टाइम। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप मुंबई और लखनऊ के मैच में अपनी टीम से वीवीएस लक्ष्मण सर की टीम को हराते हो तो आपको मिलेगा 5 गुना कैश। देखो दोस्तों, फैंटेसी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑफर माय 11 सर्कल ऐप ही दे रहा है इस टाइम, तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, या फिर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज कर सकते हो जिसमें भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से और खेलना स्टार्ट कीजिए। प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर दोस्तों हम बात करें एमआई और एलकेएन की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेडिक्टेड है, मैक्सिमम चांसेस यही प्लेइंग 11 रहने वाली है। फिर भी अगर किसी एक या दो प्लेयर का चेंज होगा तो मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर दोस्तों हम बात करें मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो आपको ओपनिंग करते दिखेंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन, उसके बाद आएंगे डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, उसके बाद आएंगे कैरोन पोलार्ड, उसके बाद दोस्तों टीम यहां पे फैबियन आलन, डेनियल सेम्स या रमनदीप सिंह में किसी को मौका दे सकती है, या फिर दोस्तों यहाँ पे टीम रिले मेरिदित को भी मौका दे सकती है। उसके बाद आएंगे मुर्गुन, अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टाइमल मिल्स, बांसिल थाम्पी या जयदेव नारकट में से कोई एक खेल सकता है। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं आपको कि मुंबई की तरफ से ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन, और डेथ ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे जसप्रीत बुमराह, तो फॉर श्योर है दोस्तों उनके साथ जयदेव नारकट कर सकते हैं, बांसिल थाम्पी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर रिले मेरिदित खेलते तो प्लेयर भी डेथ ओवर में बॉलिंग करने आ सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें मुंबई की तरफ से महत्वपूर्ण प्लेयर के बारे में, दोस्तों आपके लिए रोहित, ईशान और डेविड ब्राविस और सूर्य कुमार यादव चारों काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लिए बुमराह काफी इंपोर्टेंट रह सकते हैं। वहीं दोस्तों यहां पे मुर्गुन अश्विन की जगह टीम मयंक मार्कंडे को मौका दे सकती है, तो प्लेयर भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रह सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलकेएन की तरफ से, तो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक, उनके बाद आ सकते हैं दोस्तों मार्कस टोनियस, उनके बाद आ सकते हैं दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, उनके बाद आ सकते हैं कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर, उनके बाद आ सकते हैं कृष्णप्पा गौतम, दुष्मांता चमेरा, रवि बिश्नोई और अवेश खान। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि लास्ट मैच के अंदर कृष्णप्पा गौतम ने 3 नंबर पे बैटिंग की थी, यानी ये जो मार्कस टोनिस मैंने लिखा यहां पे बैटिंग की थी, तो ये प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। दोस्तों ये प्लेयर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है, तो ये प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली यहां पे ईशान किशन के सामने बॉलिंग करने आ सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लखनऊ की तरफ से महत्वपूर्ण प्लेयर के बारे में, दोस्तों आपके लिए राहुल, क्विंटन डीकॉक दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं होल्डर, कृष्णप्पा गौतम, उसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं रवि बिश्नोई और अवेश खान। अगर दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस के अंदर दुष्मांता चमेरा एक अच्छी पिक रह सकती है, उस केस में दोस्तों आयुष बडोनी भी एक अच्छी पिक रह सकती है। बाकी दोस्तों प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो चेंज होगा तो फाइनल में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी दोस्तों जनरल प्लेइंग 11 है, इन प्लेयर का जो भी पीछे का रिकॉर्ड है, जो भी इनका स्टेट्स है, उसका कंपैरिजन करेंगे आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें मुंबई और लखनऊ के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, दोस्तों इन दोनों टीमों ने अब तक हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें उस प्लेयर बैटल के बारे में, तो यहां पे आपको केएल राहुल वर्सेस बुमराह एक प्लेयर बैटल देखने को मिलेगी। दोस्तों बुमराह ने राहुल को 68 बॉलें डाली है, 86 रन दिए और 3 बार आउट किया है। उसके बाद दोस्तों आपको रोहित शर्मा वर्सेज अवेश खान एक प्लेयर बैटल देखने को मिलेगी। दोस्तों अवेश खान ने रोहित शर्मा को 9 बॉलें डाली है, 7 रन दिए और 1 बार आउट किया है। उसके बाद दोस्तों आपको ईशान किशन वर्सेज कृष्णप्पा गौतम एक प्लेयर बैटल देखने को मिलेगी। दोस्तों कृष्णप्पा गौतम ने ईशान किशन को 12 बॉलें डाली है, 9 रन दिए और 1 बार आउट किया है। यानी दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आप इन प्लेयर बैटल को कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों आगे इस वीडियो में हमारे हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लेयर आपके लिए कौन सी कंडीशन में इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लेयर कंपैरिजन हम करने वाले हैं सेक्शन वाइज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर हमारे पास मुंबई की तरफ से ईशान किशन ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 3 रन बनाए थे। क्विंटन डीकॉक ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 39 रन बनाए थे। केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो तीनों प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ईशान किशन, क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल। रीजन क्या, तीनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, तीनों में से 2 बंदे विकेट कीपिंग करेंगे और मोस्ट ऑफ टाइम आपका ओपोनेंट लेने वाला। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस के अंदर आप रिस्क ले सकते हो, आप ईशान किशन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो कुछ टीमों में, और कुछ टीमों में आप क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल में से किसी एक या दो को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में। दोस्तों बैट्समैन हमारे पास मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, लास्ट मैच में 28 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 43 रन बनाए थे। तिलक वर्मा 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 36 रन बनाए थे। और टीम डेविड लास्ट मैच नहीं खेले थे। वहीं दोस्तों हमारे पास लखनऊ की तरफ से इवान लेविस लास्ट मैच नहीं खेले थे, मार्कस टोनिस खेले थे और लास्ट मैच में थोड़ा नीचे बैटिंग करने आए थे, 38 रन बनाए थे। उसका दोस्तों मनीष पांडे लास्ट मैच नहीं खेले थे। दीपक हुड्डा दोस्तों 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 25 रन बनाए थे। आयुष बडोनी दोस्तों 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 5 रन बनाए थे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो उस केस में मुंबई की तरफ से फर्स्ट चॉइस है रोहित शर्मा, सेकंड चॉइस है सूर्य कुमार यादव। वहीं दोस्तों आपके लिए लखनऊ की तरफ से यहाँ पे फर्स्ट चॉइस मार्कस टोनियस और दीपक हुड्डा में से कोई एक
रह सकती है। वहीं दोस्तों अगर आप ज्यादा बैट्समैन चूज करना चाहो तो आप तिलक वर्मा को भी मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस में आप मार्कस स्टोइनिस को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करे तो आप ग्रैंड लीग की टीम में दीपक हुड्डा और आयुष बुधोनी इन दोनों के कॉम्बो के साथ भी जा सकते हो। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि लास्ट मैच जो इस ग्राउंड पे लखनऊ ने खेला था उसके अंदर इवान लेविस ने इस ग्राउंड के ऊपर कमाल का परफॉर्म दिया, तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है अगर ये प्लेयर खेलता है तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। दोस्तों ऑलराउंडर हमारे पास मुंबई की तरफ से केरन पोलार्ड, लास्ट मैच में 10 रन बनाए थे, बॉलिंग नहीं की थी। डेनियल सैम्स, फेबियन एलन लास्ट मैच नहीं खेले थे। ना ही दोस्तों अभी तक मुंबई की टीम ने संजय यादव को मौका दिया है। अगर इस प्लेयर को मौका देती तो प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। उसका दोस्तों रमनप्रीत सिंह लास्ट मैच नहीं खेले थे। वहीं दोस्तों हमारे पास मुंबई की तरफ से डेवाइल्ड ब्रेविस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, 3 नंबर बैटिंग करने आए थे, लास्ट मैच में 49 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों हमारे पास लखनऊ की तरफ से कुणाल पांड्या लास्ट मैच में 22 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था, ना ही बॉलिंग की थी। कृष्णप्पा गौतम दोस्तों राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 3 नंबर बैटिंग करने आए थे, 0 पे आउट हो गए थे और 2 विकेट लिए थे। उसका दोस्तों जैसन होल्डर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 8 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो उस केस में आपका फर्स्ट चॉइस यहाँ पे रहने वाले हैं डेवाल्ड ब्रेविस, सेकंड चॉइस आपके लिए रह सकते हैं जैसन होल्डर, थर्ड चॉइस दोस्तों आप केरन पोलार्ड और कृष्णप्पा गौतम में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो उस केस के अंदर आप कृष्णप्पा गौतम को कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो अगर रिस्क लेना चाहो। और अगर दोस्तों मुंबई की टीम पहले बैटिंग करे तो आप पोलार्ड पे भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हो, और ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में आप कृणाल पांड्या को मौका दे सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। दोस्तों बॉलिंग में हमारे पास मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था। टाइमल्स मिल्स लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, या फिर दोस्तों टाइमल मिल्स की जगह रिले मैच खेल सकते हैं। उसका दोस्तों बांसिल थाम्पी को लास्ट मैच में 2 विकेट मिले थे, जयदून आडकट को लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, मुर्गुन अश्विन को दोस्तों लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, लेकिन दोस्तों ये वाला मैच मुर्गुन अश्विन की जगह मयंक मार्कंडे खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों हमारे पास लखनऊ की तरफ से रवि बिश्नोई राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था। अवेश खान को दोस्तों लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, दुश्मन तचमेरा को लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, और एंड्रयू टाई लास्ट मैच नहीं खेले थे। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो उस केस में आपके लिए मुंबई की तरफ से फर्स्ट चॉइस है जसप्रीत बुमराह, वहीं दोस्तों लखनऊ की तरफ से फर्स्ट चॉइस है अवेश खान, सेकंड चॉइस है रवि बिश्नोई। उसके बाद दोस्तों आप लखनऊ की तरफ से दुश्मन तचमेरा को मौका दे सकते हो एज ए फोर्थ बॉलर, या फिर दोस्तों आप मुंबई की तरफ से मुर्गुन अश्विन या जयदून आडकट में किसी एक को मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आपको बता दूं जो लास्ट मैच मुंबई ने ग्राउंड पे खेला था उस मैच में बांसिल थाम्पी ने 3 विकेट चटकाए थे, तो ये प्लेयर ग्रैंड लीग में अच्छा रह सकता है। उसका दोस्तों आपके लिए ग्रैंड लीग में टाइमल्स मिल या रिली मैद्रे जो भी खेले वो अच्छा रह सकता है। बाकी दोस्तों यहां पे अगर मयंक मार्कंडे खेलते तो ये प्लेयर भी ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक रह सकती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहां पे माई 11 सर्कल ऐप की टीम बनाई, बाकी आपको हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस टीम में मैंने विकेट कीपर मिली है क्विंटन डीकॉक, ईशान किशन और केएल राहुल को, बैटिंग मिली है सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को, ऑलराउंडर मिली है दीपक हुड्डा, डिवाल्ड ब्रेविस और जैसन होल्डर को, बॉलिंग मिली है अवेश खान, रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों डेमो टीम में इसमें एक या दो चेंज हो सकते हैं। अगर इस टीम में हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैक्सिमम पब्लिक कैप्टन बनाएगी यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को, ईशान किशन को, केएल राहुल को और क्विंटन डीको को, इन 4 बंदों के साथ मैक्सिमम पब्लिक जाने वाली है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आप रोहित शर्मा के साथ भी रिस्क ले सकते हो। बाकी दोस्तों डेमो टीम इसमें एक या दो चेंज हो सकता है, फाइनल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आज से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आप इस साल इंडिया का बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज जीत सकते हो, जिसमें अगर आप मेगा लीग जीतते हो तो आप जीत सकते हो 2 करोड़ 2 लाख रुपए। दोस्तों इतना बड़ा फर्स्ट प्राइज कोई भी फैंटेसी ऐप ऑफर नहीं कर रही है, तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप हमारा लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, या फिर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज कर सकते हो जिसमें भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से मुंबई और लखनऊ के बीच होने वाले मैच की प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।